नमस्कार दोस्तों, मैं गुमनाम है दिव्या। आज यहाँ अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करने आई हूँ जो मुझे भी नहीं पता था कि जीवन में कभी मुझे इस तरीके से भी सोचने को और सीखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले 12 जून को वो शाम बहुत आम शाम थी, जैसे कि मैं अक्सर अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थी, और उन कार्यों में व्यस्त होने के साथ साथ जब मैंने अपना फ़ोन हाथ में उठाया तो मैं एक व्हाट्सएप मैसेज देखती हूँ। वो सखा की सिस्टर का मैसेज था, और उनका मैसेज ये आता है कि एक गोनियाल जी हैं, पंडित जी, जिनके शायद वीडियोस आपने कुछ समय पहले सखा की प्रोफाइल पे या फिर यूट्यूब पे देखे होंगे, जिसमें वो कविताएँ और आपस में शेर व शायरी कर रहे हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है 12 जून को, और जैसे ही मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ मुझे बहुत झटका सा लगता है और मैं एकदम दौड़ के सखा के पास जाती हूँ। सखा गोनियाल जी नहीं रहे, वो अपने एक पोस्चर में, जैसे वो बैठते हैं सोफ़ा पे, वो टीवी देख रहे थे उस समय और चाय पी चुके थे, उसके बाद वो टीवी देख रहे थे, फ़ोन में भी कुछ कर रहे थे। और जैसे ही मैं अंदर कमरे से दौड़ के आती हूँ कि सखा गोनियाल जी नहीं रहे, तो वो जिस पोस्चर में थे, जिस हाव भाव में, जिस थॉट, जैसे वो नॉर्मल एक्सप्रेशन में थे, वो उस बात को सुनने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही रहे। उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, जब दूसरे की मृत्यु पे तुम इतना चौंक रही हो तो तुम अपनी मृत्यु पे कितना चौंकोगी। और जब उन्होंने ये बात कही, मेरी जो अंदर हलचल चल रही थी, मेरी धड़कनें भी तेज़ हो गई थी उस समय, और मुझे थोड़ा एक इमोशनल टाइप का, भी इमोशन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक झटका तो लगा ही था कि यार एकदम अचानक से क्या होगा। क्योंकि जब वो हमारे यहाँ आए थे, दो दिन यहाँ रुके, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उन्होंने, और जब वो यहाँ थे तो वो ऐसे ही कहते थे, सखा को राजे कहते थे क्योंकि उनके घर का नाम राजे है, तो बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही उनसे बात करते थे, और सखा भी उनको पिताजी, पंडित जी ऐसे करके बुलाते थे, ऐसे ही बातचीत होती थी। तो जब पंडित जी हमारे यहाँ आए थे तो रात भर, समझ लीजिए, हमारे यहाँ बातें चलती रहीं, कुछ किसी न किसी विषय पे कुछ न कुछ गहरी चर्चाएं होती रहीं, हमारा पूरा परिवार वहाँ था उस समय मौजूद, और उनकी जो बातें थी, और वो बातें ऐसी थी कि मैं आऊँगा तुम्हारा जब तुम कुछ और, तुम्हारे साथ रहने आऊँगा, अब मैं जा रहूँगा यहाँ से थोड़े दिन के लिए, फिर मैं वापस तुम्हारे पास आके रह जाऊँगा। ऐसी उनकी आकांक्षा थी कि मैं अपना आगे का वक्त आपके यहाँ, मतलब सखा के पास स्पेंड करूँ, आगे की लाइफ उनके यहाँ स्पेंड करूँ। और उनके कुछ और भी विजन्स थे सखा को लेके कि वो ऐसे कार्य करेंगे समाज के लिए, कितना बड़ा आश्रम, ऐसी उनकी विशेस भी रही होंगी और ऐसी उनकी एक दृष्टि भी रही होगी कि ऐसा ऐसा होगा और मैं ऐसे ऐसे उसमें शामिल होऊंगा। तो जब हम एक व्यक्ति को ऐसी बातें करते सुनते हैं, या फिर जब हम खुद भी करते हैं, कि हम ऑब्वियसली सबके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं कि हमें फ्यूचर में ऐसा करना है, बच्चों के लिए ये करना है, खुद के लिए ये करना है, तो जब हम ऐसी बातों में जीते हैं और ऐसी बातें, हाँ ही समझ लीजिए, हर आदमी इन्हीं फ्यूचर प्लानिंग में, नेक्स्ट क्या करना है और मुझे क्या अपनी डिज़ायर्स और इच्छाएं पूरी करनी है, इन्हीं में होता है। और जब आपको अचानक से एक ऐसी बात सुनने मिल जाती है तो फिर एक, मुझे तो शॉक लगा, चाहे वो कुछ देर का ही सही, भले ही उसके बाद मेरी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन में आ गई हो, लेकिन कुछ देर तक फिर मैंने परिवार के सभी सदस्यों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हुआ, जिनमें से कुछ लोग उनका ये था है, कुछ लोगों का अरे, और कुछ लोग नॉर्मल थे, ऐसा भी था, सभी लोगों का एक सा रिएक्शन नहीं था। लेकिन सखा की वो बात मेरे माइंड में इतनी स्ट्राइक की कि वो कई बार मेरे माइंड में रिकॉल और रिकलेक्ट होती रही कि जब तुम दूसरे की मृत्यु पे इतना चौंक सकते हो तो तुम अपनी मृत्यु पे कितना चौंकोगे।
और मैंने तो सच बताऊं उनका ऐसा रिएक्शन ये पहली बार नहीं देखा था। जब उनके पिता की मृत्यु की खबर आई वो तब भी इतने ही शांत और बिल्कुल विचलित नहीं हुए थे। जब ज्योति माँ की खबर आई अभी दिवाली पे जब उनकी मृत्यु हुई तब भी हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। और उनका जाना उनकी मृत्यु तो कहीं महीनों तक शॉकिंग था। और कभी कभी आज भी ये लगता है कि मतलब वो साउंड जो पहली साउंड सुनी थी हम लोग सो रहे थे सुबह उठे और पहली साउंड आती है कि ज्योति माँ नहीं रही तो वो साउंड आज भी जब गूंज जाती है दिमाग में तो ऐसा लगता है कि नहीं क्या ये सच में हुआ था। विश्वास नहीं होता। कई महीनों तक मेरे साथ ऐसा रहा। लेकिन इस सारी तीन मेन मेजर घटनाएं थी उनकी ज़िंदगी के तीन महत्वपूर्ण हिस्से थे। पिता तो बहुत प्रेम था उन्हें अपने पिता से लेकिन फिर भी कोई विचलित नहीं हुए वो। कोई आंसू नहीं थे। कोई दर्द ये कहें या कुछ शौक जैसा नहीं था उनके लिए और ना ही ज्योति माँ के टाइम पे और पंडित जी के टाइम पे भी नहीं। हालांकि पंडित जी और सखा का अच्छा कनेक्शन है गहरा कनेक्शन रहा है। प्रेम था उन्हें सखा से और बहुत उम्मीदें भी खुद से सखा से। लेकिन अचानक उनका ऐसा जाना तो मतलब क्योंकि हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन इन सब चीज़ों में आप जिस समाज में रहते हैं और जैसा हम आज देखते हुए आए हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है और कोई नहीं रोता है तो जो रो रहे हैं या जो और रिश्तेदार हैं वो उनका सारा कंसंट्रेशन उन पे होता है कि देखो वो तो रोया भी नहीं उसे तो कोई दुख भी नहीं हुआ। इस टाइप की बातें होती हैं। लेकिन सच बताऊँ समाज की सोच और समाज की मृत्यु को देखने का ढंग और मृत्यु के बाद उन पे जो इम्पैक्ट आते हैं वो बहुत अलग हैं। और सखा सखा ऐसे थे ऐसे रहे हैं कि वो हर पल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। बट ये कहने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी बात है। सुनने को हम सभी ने किसी न किसी गुरु के किसी न किसी संत के ऐसे किस्से कहानियाँ सुने हैं कि उन्होंने ऐसा कहा और मृत्यु तो मतलब शरीर तो नश्वर है। ये सब गीता का ज्ञान आप सभी ने लिया ही होगा। लेकिन फिर भी क्या आपने कभी सोचा कि हम लोगों ने जो बातें सुनी है क्या वो हम कभी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या कब कभी हम इन बातों पे गौर करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए इसका हमारे अंदर जहन में उतरनी चाहिए कि हाँ शरीर का क्या है वो आज है कल नहीं है। इसको सोच के और इसको वास्तव में ऐसा सोच के जब आपका कोई अपने की मृत्यु हो जाती है तब आप इस चीज़ को सोच कर समझ कर आगे बढ़ पाएँ और उसका अफसोस ना करें। क्या ऐसा सोचा आपने कभी? सोचा तो मैंने भी नहीं था। लेकिन सखा को मैंने 3 बार देखा और उनकी वजह से मैं सच बताऊँ तो मैं जब उन्हें देखती हूँ किन्हीं सिचुएशंस में वो ऐसे हैंडल कर लेते हैं और ऐसे मूव ऑन कर जाते हैं तो हमें उन्हें देख देख के ही फिर हम भी आगे बढ़ जाते हैं और फिर से हम वैसे ही अपनी लाइफ जीने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं कुछ ना कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये एक रोलर कोस्टर लगा ही रहता है। लेकिन उस हर रोलर कोस्टर सिचुएशन में भी वो कैसे इतने शांत और बिना विचलित हुए हर चीज़ को हैंडल कर देते हैं और इजीली आगे मूव ऑन हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आए दिन मैं देखती रहती हूँ उनके साथ। जिन जिन विषयों पे जिन जिन घटनाओं पे उन्हें विचलित हो जाना चाहिए था उन्हें क्रोधित हो जाना चाहिए था उन्हें उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए थी उन हर सिचुएशन में हर घटनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कभी को मैंने आमतौर पे आप भी सोचते होंगे या आप भी ऐसा रिएक्ट करते होंगे या मेरे मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ कि ऐसा हुआ तो ऐसा सखा रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उनकी जो प्रिपरेशन है हर पल के लिए रेडी होने वाली ये कमेंडेबल है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए
हमें सिखाने के लिए भी एक हमारे सामने लाइव ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन इसी ढंग से जी रहा है कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। और कहने में मैंने फिर मैंने पहले भी कहा कि कहने में और उसको करने में बहुत अंतर होता है। मैंने उन्हें ऐसा जीते देखा है, मैं रोज़ ऐसे ऐसा ही उन्हें जीता हुआ देख रही हूँ। वो हर पल के लिए ऐसे प्रिपेयर्ड होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल लाइफ उनकी रही है आज तक, और इसीलिए वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। इसलिए हम भी उनके अनप्रिडिक्टेबल नेचर और अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस के साथ ऐसे वो कोई स्टेप ले लेंगे। हम भी एक तरीके से हर अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए उसके लिए तैयार हो रहे हैं दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कितना ही प्लान कर ले और कितना ही आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर लो, उसके हिसाब से आप काम कर लो, पैसा जोड़ लो, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है जैसा हम सोचते हैं? अभी रिसेंटली हम सभी ने एक लॉकडाउन और ये सब कोरोना काल जैसी स्थितियां हर एक व्यक्ति ने, बच्चे से लेकर बूढ़े ने ये फेस की है, और उस टाइम पीरियड ने बहुतों को सोचने में मजबूर कर दिया कि हम किस दौड़ में थे, क्या जी रहे थे और हम अंत में हमें क्या मिलता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इस को पीरियड में ये एक नया चिंतन तो लोगों से लगभग हर एक के दिमाग से ये गुजरा होगा कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्या कमाऊँगा करके, एक दिन तो सब ऐसा ही हो जाने वाला है। ऐसा चिंतन सभी के साथ हुआ, लेकिन फिर जब लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई, फिर से नॉर्मल रूटीन पे आ गई, वो चिंतन धीरे धीरे लोगों का फिर मिटता चला गया। मैं नहीं कहती 100%, किन्हीं किन्हीं में शायद अभी भी चलता होगा वो थॉट, बट मैक्सिमम जब आपकी फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाती है तो आप वही गहरे चिंतन पीछे छूट जाते हैं। ऐसे ही सखा कि जब नॉर्मल लाइफ हो, अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। स्टेबल इन द सेंस कि वो विचलित नहीं होते, शॉक में नहीं आ जाते, क्रोधित उस ढंग से नहीं होते, हाय मेरे पिता चले गए, हाय हाय तो मैंने कभी उनके मुंह से सुना ही नहीं, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब क्या होगा, आगे मैं क्या करूँगा, क्या नहीं, ऐसा तो मैंने किसी भी मोमेंट उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने। हर पल के लिए, हर अनप्रिडिक्टेबल क्या लाइफ दिखाएगी आपको, उसके लिए तैयार होना वो बहुत बड़ी बात है। गुरु की संगत में इसीलिए तो कहा जाता है कि तैयारी मृत्यु की है, जीवन की तो तैयारी मृत्यु की ही है, जीवन को ऐसे जीना है कि मृत्यु देख पाए। मैंने सखा को ही कहते सुना है कि अब मृत्यु जो है, अपने की जब मृत्यु हो तब नाचो तो माने कि तुम जो है तैयार हो हर उस चीज़ के लिए। कि लाइफ आपको कुछ भी दिखा सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, ये आपकी तैयारी है। बट मैं उन्हें ऐसा जीते देख रही हूँ, और शायद उन्हें देखते देखते आई डोंट नो वो भी हमें इसी टाइप की प्रिपरेशन, हम सभी को, हम सभी आज ऐसे हैं सखा परिवार में कि हमारे लिए अगर कोई भी घटना हो जाती है, मृत्यु के लिए मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन और भी कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं लगती, और लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, अब हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल पापा जिन्हें सखा के पिताजी को मैं पापा कहती थी, और आज भी मेरे लिए वो वही पापा और उनकी फीलिंग हमेशा मेरे साथ ज़िंदा है जो मैंने उनके साथ वक्त बिताया था। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी और सखा निकले भी थे घर से, जब वो जीवित थे और घर से जब निकले भी थे उन्हें लेने, तो जब उन्हें रास्ते में ही फ़ोन आया कि पापा नहीं रहे, और जब वो घर आए और जब मुझे वो खबर मिली तो मैं बहुत रोई, बहुत बहुत, मतलब दहाड़े मार मार के रोई। लेकिन उन्होंने मुझे उसी वक्त डांट दिया, उसी वक्त मेरे को एकदम स्ट्रिक्टली डांटा और ये कहा कि रोएगा नहीं कोई भी इस घर में, रोने की क्या ज़रूरत है।
मेरा बाप मुक्त होके गया है, ऐसे शब्द थे उनके। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं रोएगा। और मैंने उनके आँखों में भी कभी आंसू नहीं देखे। वो जो उनके सबसे प्रिय थे, उनके पिता भी अपने बेटे को ऐसे प्रेम करते थे जैसे कि वो उनकी प्रेमिका हो। ऐसे मैंने खुद उनसे बातें की हैं, मेरी बहुत बातें हुई सखा के पिताजी से। वो ऐसे ही बात किया करते थे, ऐसे ही उनकी उनकी नज़रें बता देती थी। वो जिस ढंग से उन्हें देखते थे, चलते जाते ऐसे, उनकी नज़रें बता देती थी। मैं उनकी नज़रें देख लेती थी कि वो कितने प्रेम में अपने बेटे के। लेकिन उनके अंतिम वक्त में भी पापा की, जैसे सखा की सिस्टर ने कहा कि मैं राजे को बुला दूं, तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, कई दो दिन तक कहते रहे कि मैं बुला दूं, मैं बुला दूं, उन्होंने मना कर दिया। उनकी तरफ से नहीं था कि एक बार आ जाए, मैं उनको देख लूं, अंतिम अंतिम देख लूं एक बार, ऐसा उनकी तरफ से भी नहीं था। तो ये एक मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जो अभी एक पंडित जी के गुजर जाने से हुआ, और जो शब्द सखा ने मुझसे कहे थे, और वो कई बार मेरे दिमाग में गूंजते हैं। और जब मैं फिर वही रिकॉल होता है पापा का और ज्योति माँ का, तो फिर से वही मैं उनका वही चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने गुजरता है कि वो उन सिचुएशन और उन मोमेंट्स में भी बिल्कुल नॉर्मल थे जैसे वो उस खबर से पहले थे और उस खबर के बाद। तो आज इतना ही, आगे और अनुभवों के साथ मैं ज़रूर आप सभी से शेयर करने आऊँगी। नमस्कार।